इंडिया में ना 90% ऑफ द मैन ये प्रॉब्लम फेस करते ही करते हैं, एंड उसके वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता है, जिससे उनको सोल्यूशन तो नहीं मिलता बट वो प्रॉब्लम और वर्स पे वर्स होते ही जाती है। इनफैक्ट मैंने ये खुद प्रॉब्लम स्टार्टिंग में फेस किया था, एंड आई ट्राइड मैनी थिंग्स कि शायद इससे ठीक हो जाए, शायद इससे ठीक हो जाए, बट उससे कुछ भी ठीक नहीं हुआ, एंड वो प्रॉब्लम और बेकार होते गई होते गई होते गई होते गई। देखो आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, जो भी मैं अभी इस वीडियो में आपको आगे सॉल्यूशन बताऊंगा या फिर कुछ भी, तो एक चीज़ तो है उससे 100% वो प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होगी, बट आई कैन गारंटी यू दिस कि 99% तक तो कम हो ही जाना चाहिए उसे। द प्रॉब्लम विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज हेयर लॉस, एंड देखो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, बट वॉट आई ट्राई माई बेस्ट कि उसका सोल्यूशन दूँ मैं, एंड वो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए। वेलकम बैक टू योर फैशन गाइड, आई एम हिमांशु, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट हेयर प्रॉब्लम्स विच इज़ लाइक मेनली हेयर लॉस के बारे में, एंड उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं ताकि आगे जाके वो फेस ना करना पड़े। काफ़ी हद तक मैं उसको कम करवा दूंगा, तो मेक श्योर ये वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखें, एंड एक एक पॉइंट को अच्छे से ज़रूर सुने, तभी यू कैन इस्तेमाल ये अपने ऊपर, एंड वो आप हेयर लॉस से बच सकते हो। चलो फिर डायरेक्ट वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। सो जो पहला थिंग मैं बात करने वाला हूँ इज योर आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। इससे मेरा मतलब ये है ना कि पहले आप लोग जानो कि आपको लाइक हेयर लॉस किस वजह से हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें जिनकी वजह से हेयर लॉस होता है, डैट इज़ लाइक ज़्यादा स्ट्रेस लेने से पहले, जेनेटिक होता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है उसके वजह से होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ऐसी बहुत सारे रीज़न होते हैं कि लाइक क्यों हमें हेयर फॉल होता है। अगर खुद पता नहीं चल रहा है तो आसपास के किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाओ, उनसे पता करो कि व्हाट इज़ कॉजिंग योर हेयर फॉल, उसके बाद यू स्टार्ट अप्लाइंग ट्रीटमेंट, एंड फिर सॉल्यूशन दिखेगा आपको। बहुत लोग स्टार्टिंग में यही गलती करते हैं कि वो लोग जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि हेयर फॉल एक्चुअली हो क्यों रहा है, बट सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं, एंड उसी की वजह से वो प्रॉब्लम और बेकार होते जाती है। तो पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन फाइंड द सॉल्यूशन। सेकेंड इज लाइक बेसिकली आपका सबसे मेन रीजन जो आता है हेयर फॉल में, दैट इज योर डैंड्रफ, स्ट्रेस एंड lack of healthy diet। तो इसको हम कैसे सुधारें? अब देखो जेनेटिक का तो हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, बट वॉट वी कैन डू इज डैंड्रफ को हम कम कर सकते हैं, वी कैन डू लाइक स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, एक हेल्दी डाइट फॉलो कर सकते हैं जिसके वजह से सारा चीज़ सही हो। एंड आपका सबसे ज़्यादा मेंटेन एक और चीज़ करता है, दैट इज़ आप महीनों में कितनी बार हेयर कट जाते हो। अगर फ्रीक्वेंटली जा रहे हो महीने में लाइक 3-4 बार, तब भी आपका हेयर लॉस होने के चांसेस हैं। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप लोग लाइक 2 महीने में एक बार चले जाओ, या फिर महीने में एक बार, दैट्स इट। उसके बाद आपको ज़्यादा नहीं जाना चाहिए हेयर कट के लिए, और जितनी बार आप हेयर कट पे जाओगे उतना ज़्यादा चांसेस होता है बाल को थिन होने के लिए, एंड फिर वो आपको हेयर लॉस में इफेक्ट करता ही करता है। सेकेंड इज डैंड्रफ। अब हम डैंड्रफ को कैसे ट्रीट करें? अब देखो जैसे कि अब सर्दियाँ आने वाली है और हम गर्म पानी से, सबको पसंद है नहाना, बट अगर डायरेक्टली गर्म पानी आपके स्कैल्प पे डालोगे ना तो उससे वो डैंड्रफ क्रिएट होता ही होता है, एंड इची स्कैल्प भी होता है जिसके वजह से हेयर लॉस होता ही होता है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल बी शोइंग यू गाइस माय प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करता हूँ, एंड लाइक सारे के सारे ऑर्गेनिक चीज़ें विच रियली हेल्प्ड मी अपने हेयर लॉस को कम करने का, काफ़ी हद तक कम हो चुका है। चलो वो सारी तो बातें हो गई कि लाइक हेयर प्रॉब्लम को फाइंड करो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन ट्राई करो, उसके बाद आपको हेयर कट कितनी बार जाना चाहिए। अब मेन चीज़ पे आते हैं, जो घर पे ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं खुद से नेचुरली, दैट इज़ लाइक शैम्पू कौन सा यूज़ करना है, क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, एंड क्या प्रोडक्ट आपको हेल्प करेगा एंड क्या आपको हेल्प नहीं करेगा। तो सबसे मेन चीज़ जो आता है कि भाई शैम्पू वही यूज़ करना जो सल्फ़ेट फ्री हो, और सल्फ़ेट आपके बालों को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर बना देता है, डैंड्रफ भी कर देता है, एंड उसके वजह से आपको हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तो यूज़ दैट शैम्पू जिसमें सल्फ़ेट कम हो। जैसे मैं करता हूँ, आई यूज़ दिस बेयर एनाटमी का एंटी हेयर फॉल, एंड पहली बता दूँ दिस इज़ नॉट अ ऐड, ये मेरा पर्सनल शैम्पू है जो मैं बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहा हूँ, एंड उसके वजह से मेरे को हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा कम है। तो सबसे पहले मैं ये यूज़ करता हूँ, दैट इज़ दिस बेयर एनाटमी का एंटी हेयर फॉल शैम्पू, विच लिटरली हेल्प्ड मी अ लॉट हेयर लॉस को कम करने में। ऑल यू हैव टू डू इज़ हल्का सा अप्लाई करना, ज़्यादा क्वान्टिटी में अप्लाई मत करना, हल्का सा क्वान्टिटी में अप्लाई करना, एंड थर्ली अपने
हेड को, स्कैल्प को अच्छे से मसाज देना, और जितना अच्छे से मसाज दोगे ब्लड सर्कुलेशन उतना ही अच्छा होगा एंड शैम्पू भी उतना ही अच्छे से लगेगा। एंड उसके बाद ज़्यादा देर तक शैम्पू अपने सर पे मत रखना, बिकॉज वो भी हानिकारक होता है आपके बालों के लिए। तो जस्ट मसाज इट काफ़ी अच्छे से एंड उसके बाद वॉश कर लो। आफ्टर वॉशिंग दैट शैम्पू डोंट फॉरगेट टू यूज़ कंडीशनर, एंड जो मैं अभी कंडीशनर यूज़ करता हूँ दैट इज़ दिस एल्ब गुडनेस का। दिस इज़ ऑल्सो लाइक एंटी हेयरफॉल कंडीशनर जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है मेरे बालों के, सारा फ्रीजीनेस निकाल देता है, डैंड्रफ एंड काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बना देता है, स्मूथ रहता है ना, तो वो आपके बालों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जितने ज़्यादा बाल रफ होंगे उतना ज़्यादा हेयरफॉल होने के चांसेस ज़्यादा होगा। तो शैम्पू एंटी हेयरफॉल यूज़ करो आप लोग जो कि सल्फेट फ्री हो एंड ऑर्गेनिक हो, जो कि ये बेयर एनाटॉमी का है। सेकेंड इज कंडीशनर यूज़ करिए आप लोग, वो भी ऑर्गेनिक हो एंड डोंट अप्लाई इट ऑन योर स्कैल्प, लाइक डायरेक्टली अप्लाई मत करना। कभी कभी थोड़ा बहुत लग जाता है, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट डायरेक्टली उस पर अप्लाई मत करना। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, ये तो शैम्पू हो गया, बट शैम्पू से पहले भी डोंट फॉरगेट टू यूज़ ऑयल। ऑयलिंग से आपने हेड को अच्छे से मसाज दो एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जितने भी नेचुरल ऑयल हो सकते हैं, या तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो या फिर घर पे नेचुरली ऑयल बना सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं आप फ्लावर्स एंड इन सब का यूज़ करके, जिसके वजह से आप काफ़ी अच्छा ऑयल बना सकते हैं एंड उसको आप हफ्ते में दो बार मसाज दो अपने सर पे। एंड शैम्पू से लगभग 2 या 3 घंटे पहले आराम से मसाज दो, छोड़ो, फिर उसके बाद शैम्पू करो। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप यू नो ओवरनाइट छोड़ो, कॉज जब हम सोते हैं तो हम काफ़ी अजीब तरीके से सोचते हैं, तो उसके वजह से भी हेयर फॉल होने का चांसेस होता है, बाल टूट जाता है काफ़ी। तो ओवरनाइट मत यूज़ करो, बट उसके पहले आप कुछ टाइम पहले यूज़ करो, सिर्फ 2-3 घंटे पहले। पर्सनली मैं तो लाइक काफ़ी टाइम से हेयर ऑयल यूज़ करते आ रहा हूँ, बट उसके साथ भी जो मैंने एक और नई चीज़ यूज़ की, दैट इज़ दिस रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी ऑयल ये लाइक अमृत होता है आपके बालों के लिए। सबसे बेस्ट क्वालिटी रोजमेरी ऑयल्स की ये होती है कि यू नो ये स्ट्रेस रिलीफ करने में हेल्प करता है, बालों को ये टाइटन एंड स्ट्रेंथ देता है एंड उसके बाद आपका डैंड्रफ से भी फाइट करता है एंड हेयर फॉल को काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है। ये मैं बेसिकली 2 से 3 ड्रॉप लेता हूँ एंड अपने जड़ों पर लगाता हूँ अच्छे से एंड अच्छे से इसको मसाज देता हूँ शैम्पू के 2 घंटे पहले। इसको आप अपने नॉर्मल किसी भी ऑयल के साथ भी मिक्स करके लगा सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली इफेक्टिव, बट मैं इसको अभी बिना किसी ऑयल के लगाता हूँ एंड आई एम बीन यूजिंग रोजमेरी ऑयल काफ़ी ज़्यादा टाइम से। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप लोग भी रोजमेरी ऑयल में इन्वेस्ट करो एंड ज़रूर ज़रूर बाय करो। अब नेक्स्ट आते हैं शैम्पू बात होगी, रोजमेरी ऑयल या मोनोक्सिड बात होगी, अब उसके बाद आते हैं सीरम्स। भाई देखो, बहुत लोग होता है कि शैम्पू के बाद भी वो लोग ऑयलिंग कर देते हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग, बट डेली यूज़ पे मत ऑयल यूज़ करो आप लोग। वो के जगह आप लोग एक सीरम ले सकते हो। अभी मैं जो फिलहाल सीरम यूज़ करता हूँ दैट इज़ दिस, ये भी एल्ब गुडनेस का ही है एंड ये एक एंटी हेयरफॉल स्कैल्प सीरम है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से है। ऑल यू हैव टू डू इज 2-3 ड्रॉप लो, जड़ों पे लगाओ एंड अच्छे से इसको मसाज दे दो। इट रियली हेल्प्स योर हेयर एंड सबसे बेस्ट चीज़ बालों के लिए जो सबसे बेस्ट होता है दैट इज़ इसमें 5% रिडेंसल भी है, विच हेल्प्स योर हेयर टू ग्रो, विच हेल्प्स इट यू नो ताकि और वो मजबूत बने, विच हेल्प्स योर स्कैल्प। लेजिट ये स्कैल्प पे लगा सकते हो आप, बहुत सारे सीरम होते हैं जो आप स्कैल्प पे नहीं लगा सकते, बट दिस इज स्पेशली फॉर योर स्कैल्प। तो डैंड्रफ फ्री भी कर देता है एंड काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी रखता है आपके बालों को। दैट वॉज द होल प्रोसेस जो मैं यूज़ करता हूँ एंड काफ़ी टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे। तो मैं ऐसे वीडियोस हर हफ्ते में ऑल्टरनेट डेज पे अपलोड करता रहता हूँ, तो मेक श्योर आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन। अब चलते हैं, विदा लेते हैं, आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइज़।